शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे झूठी पार्टी कहा है। वो आज मुरादाबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। दरअसल मीडिया ने जब उनसे लव जिहाद कानून पर सवाल किया तो वो एकदम बोले कि ऐसा तो कोई शब्द ही कानून में नहीं है, भाजपा द्वारा बनाए जाने वाला कानून ठहर ही नहीं सकता, और चाहे जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस को झूठा करार देने हो या देश में कोई और काम हो, भाजपा झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रही है। और जहां तक 2022 के विधानसभा चुनाव की बात है तो उनकी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन कर सकती है, उनमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उनसे सीटों पर बात होगी। अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे और कुछ छोटी छोटी पार्टियों से भी अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे, और इसलिए भी अलायंस करेंगे, ये समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार होती है और उत्तर प्रदेश की जो है, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है, और जितने भी निर्णय लिए हैं न तो देश हित में है न देश की जनता के हित में है। देखिए, इन्होंने पहले निर्णय लिया है नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा है। फिर इन्होंने लिया GST, कहा था कि एक कर लगेगा, अब एक कर की जगह जाने कितने टैक्स लग रहे हैं और भ्रष्टाचार भी फैल गया है, और पूरे देश की जनता, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले लोग भी परेशान हैं, फुटपाथ पर भी जो काम करने वाले लोग थे वो भी परेशान हैं। फिर इन्होंने निर्णय किसानों वाला लिया, और इन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और दोगुनी तो दूर रही है, आधी भी नहीं बची। पिछले साल देखे धान 2400 रुपये था, उसकी जगह इस साल आ गया 1100-1200, मक्का आ गई जो 2200 थी वो आ गई 1000 से नीचे, 4 साल में गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा, 4 साल 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है, और भुगतान भी टाइम से नहीं हो रहा है, साल दो साल गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है, और हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, बिजली का रेट बिल्कुल 4 बार बढ़ा है, डीजल पे बढ़ा, पेट्रोल पे बढ़ा है, महंगाई हर चीज़ पर बढ़ी है। अच्छा सर, यूपी सरकार कह रही है कि MP सरकार के बाद अब यूपी सरकार भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रही है, कितनी इस निर्णय से कितना स्वागत करते हैं आप, या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान में तो सबसे पहले तो लव जिहाद शब्द ही नहीं है, अब देखिए लव जिहाद रोकेंगे कैसे, ये तो देखिए झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने में तो माहिर है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश को मूर्ख बना दिया है, अब इसमें भी केवल झूठ बोलना इनका काम है। लव जिहाद जब शब्द ही नहीं है, कहीं शब्द नाम की चीज़ नहीं संविधान में, कहीं पर भी नहीं है, तो क्या संविधान का उल्लंघन करेंगे? यूपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सर? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कहीं चीज़ नहीं है, घटनाएँ रोज बढ़ रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वसूली का काम चल रहा है, इस सरकार में केवल रिश्वत हो रही, वसूली और भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर डाकखाने में जाओ बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, झूठी रिपोर्ट लग गई तो फिर 1-2 लाख रुपया दे जाओ, 5 लाख रुपया, ये हालत है। शिवपाल जी, क्या समाजवादी पार्टी से भी बात हो रही है आपके अलायंस के लिए 2 लाख वर्ष के लिए? क्या बोल रहे? समाजवादी पार्टी से भी आपके अलायंस की बात हो रही है, क्या ऐसा आंकलन लगाया जाए क्या हो सकता है क्या अलायंस आपसे 2022 में?
अलायंस मतलब अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक हमें बातचीत करने के लिए हम तैयार। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ दस्तक दे दी यूपी में, क्या लगता है क्या वो भी अब उसका हमें पता है। सर सपा से अगर अलायंस होता तो कितनी सीट होगी आप मांग करेंगे? सम्मान कितनी सीटों तक आपका लग रहा है? सब तो बहुत लंबा समय है, 20 साल का समय आने। अच्छा सर, कश्मीर में भी लगातार भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी एक शहीद हुआ, क्या मानते हैं सरकार की तरफ से? देखिए टोटल खेल सरकार है, खेल है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम चीन से वापस ले लेंगे, वापस तो ले नहीं पाए। हमारे बहादुर जवान शहीद बहुत करा दिए हैं, बहादुर जवान शहीद करा दिए और ज़मीन वापस नहीं दी। तो ये हर तरीके से खेल है, केवल मैंने कहा झूठ बोलने में माहिर है। सिपाही जी एक लास्ट सवाल था मेरा, वहाँ जम्मू कश्मीर में एक गुपकार अलायंस एक बना है, उन्होंने बनाया है सबने मिल करके, भाजपा ये कह रही है कि ये गुपकार गैंग है, तो इसको किस तरह से नजर देखते हैं शिवपाल जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा झूठ बोलने के अलावा नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है। अच्छा मायावती जी का स्टेटमेंट आया था कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी से भी अलायंस कर देंगे, क्या टिप्पणी, कोई टिप्पणी बीएसपी की? एक नेता सवाल ये, व्यापारी जो आज त्रस्त हैं हर चीज़ को लेकर, उनके लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी उनको बाहर निकलने के लिए? व्यापारियों को